Assalamualaikum viewers, welcome to Fatema's kitchen. आज मैं लेकर आई हूँ एक और न्यू रेसिपी आपके लिए जिसका नाम है पालक आलू की सब्जी। तो ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये मैंने पालक ली है, इसे मैंने धोकर कट कर कर रखी है। ये 1.5 कप के करीब है। ये मैंने आलू लिए हैं, इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, धो लिए हैं मैंने। ये मैंने एक प्याज ली है बड़ी वाली, उसको भी ऐसे स्लाइसेस में कट कर लेंगे। धनिया पत्ता ले थोड़ा सा। ये मैंने 2 से 3 ग्रीन चिलीज ली है, उसको भी ऐसे कट कर ली है चॉप्ड। अदरक लहसुन का पेस्ट ले 1 टेबल स्पून के करीब। ये मैंने थोड़े से मेथी के दाने लिए हैं। आमचूर पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम। और ये मैंने थोड़ी सी चिपटी हींग ली है पिंच। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब। लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून के करीब। नमक लिया है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हल्दी पाउडर ले 1 टेबल स्पून के करीब। इसमें हल्दी हमें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून ली है। गरम मसाला पाउडर लेंगे 1/2 टेबल स्पून और ज़ीरा लेंगे 1 टेबल स्पून। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं और लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। सबसे पहले एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे, उसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना है। हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें हींग, मेथी के दाने और ज़ीरा, इन तीनों को इसमें ऐड करके थोड़ा सा हम सौते कर लेते हैं। जब ज़ीरा अच्छे से कड़कड़ा जाए फिर हम इसमें ग्रीन चिली डालेंगे। फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे भी ऐसे 2 मिनट पका लेते हैं, कच्ची खुशबू, कच्ची स्मेल, कच्चा टेस्ट इससे से निकल जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ, इसे भी अच्छे से इसमें मिला लें। साथ ही इसमें आलू भी ऐड कर दें। प्याज के साथ आलू हमें इसीलिए ऐड करना है क्योंकि इसे थोड़ा पकने में टाइम लगता है और जो हमारी पालक है वो जल्दी से पक जाती है, इसीलिए प्याज और आलू को हम कुछ देर ढककर छोड़ देंगे। मैं थोड़ा सा इसमें पानी लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेना, सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि जो पालक है वो भी इसका पानी छोड़ेगी, उसमें से भी पानी निकलेगा तो उससे ही से वो पकेगी, हमें ज़्यादा पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट पालक के पानी से ही वो पक जाएगी पूरी सब्ज़ी। अब मैं इसे ढक देती हूँ। मैं इसमें नमक डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए। 5 मिनट बाद ढककर पकाने के बाद स्पाइसी ऐड कर देते हैं, ड्राई स्पाइसीज यानी हल्दी, अरे सॉरी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी। अब इन सब को मिक्स कर कर फिर से हम ढक देते हैं जब तक ये आलू थोड़े से गल जाए। देखिए ये हमारे 1/2 आलू गल चुके हैं, मतलब आधे ही गल चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करती हूँ पालक काटी हुई, इसे सारी ऐड कर दें।
मैंने इसमें साथ ही धनिया के पत्ता भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे आलू में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये अभी इसकी क्वांटिटी ज़्यादा लग रही है, लेकिन कुछ ही देर में ये इसकी हाफ क्वांटिटी हो जाएगी। और हमें आलू की भी क्वांटिटी कम रखनी है इसमें, क्योंकि ये हम सब्जी बना रहे हैं, ये खास पालक की है, लेकिन इसमें आलू ऐड करते हैं तो टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ये जब तक कंप्लीट पक जाती है, बन जाती है, तब तक इसे मैं ढक देती हूँ। फिर हम देखेंगे आगे। और अभी भी हमें इसमें पानी नहीं डालना है, ये पालक के ही पानी में पूरी बन जाएगी। और इसमें साथ में हम आमचूर पाउडर भी डाल देते हैं। और अब मैं इसे फिर से ढक देती हूँ। देखिए, हमारी पालक और आलू की सब्जी अब बनकर रेडी हो चुकी है। जब ये पक रही थी तो मैंने बीच बीच में से चेक करते रहा, क्योंकि नीचे से ये चिपके ना, ये जल ना जाए। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसकी प्लेटिंग करती हूँ। जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है ये सब्जी। और आप इस रेसिपी को ट्राई करें, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी, घर पर बनाएंगे तो। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो तो मुझे लाइक दें। मेरी चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें मेरी रेसिपीज को। फिर मिलते हैं एक और अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।